नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बाबूलाल यादव जी के फार्म हाउस में भ्रमण के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो एग्रीकल्चर के पढ़ाई करते हैं और उनके बारे में हम खेती के नए नए तकनीक के बारे में हम बच्चों को जागरूक करेंगे। आज के हमारे वीडियो में आपको जो खीरा का खेती है, उन्नत खेती का जो तरीका है, और उसके अलावा आपका जो शिमला मिर्च होता है उसके खेती के तरीका के बारे में हम आपको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। और खेती के नए तकनीकों को हमारे वीडियो के द्वारा देखिए, सीखिए और अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करिए ताकि अधिक से अधिक आप लोग क्या कर सकें, मुनाफा कमा सकें। धन्यवाद। अब आपको हम खीरा के उन्नत खेती के बारे में बताएंगे। सिस्टम आपका सेम है जो टमाटर का जो खेती था और आपका जो बैगन का खेती था, वही सिस्टम अपनाया गया है। ड्रिप में कल्टीवेशन का कराया गया है, प्लस नता के लिए नायर वगैरह का पूरा व्यवस्था किया गया है। तो हम यहाँ पर खीरा के खेती के बारे में, उन्नत खेती के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि जो खीरा होता है, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है खीरा का, तो खीरा का जो साइंटिफिक नाम है वो होता है कुकुमिस सटाइवस। ये आपका कुकुरबिटेसी कुल का पौधा है जो नायर वाला फसल होता है, लता वाले फसल होता है। इसके लिए हम एक प्लास्टिक के पन्नी का प्रयोग कर रहे हैं जिसको मल्चिंग कहते हैं, साथ में ड्रिप पाइप का प्रयोग किए हैं जिसमें हम लोग पानी इसको देते हैं और उस स्थान पर छेद किया गया है जहां पर हम खीरा को लगाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक पौधा से दूसरा पौधा के बीच की जो दूरी होती है लगभग 30 सेंटीमीटर के बीच में यहां पर गैप लगाया जाता है, इसमें हम खीरा का कल्टीवेशन करते हैं। जो खीरा होता है ये लगभग 40 से 45 दिन में फलना फूलना शुरू हो जाता है। 40 से 45 दिन में ये फलना फूलना सब कुछ शुरू हो जाता है, उसी के बारे में आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे। ये जो नायर वाला फसल होता है इसमें बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है। अभी आउट सीजन में खीरा 30 से 35 रुपए किलो के हिसाब से बिकता है, जिसमें किसान भाई जो है वो कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने का प्रयास कर सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा कमा भी सकते हैं। तो उसी टेक्निक के बारे में आप यहाँ पर इनके जो फार्मर हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे लास्ट में, और उनसे हम जानेंगे भी। तो चलिए, ये खीरा का कल्टीवेशन हो चुका है। आपको नॉर्मल मिर्च जो होता है, सामान्य मिर्च जिसको बोलते हैं घर में मसाले के रूप में जिसका हम प्रयोग करते हैं, उस मिर्च की खेती के बारे में दिखा रहे हैं। ये देखिए आप खेती मिर्च का खेती, सिस्टम आपका सेम है जैसे पहले किया गया है। ड्रिप इरिगेशन मेथड, मल्चिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, घास के रोकने के लिए किया जाता है। प्लस ये जो तकनीक है इसमें हम कम स्पेस या ज्यादा स्पेस लगा करके हम बहुत अच्छा आय का साधन बना सकते हैं और बहुत ज्यादा ग्रोथ करा सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अगर हम खेती के इन सभी तकनीकों का प्रयोग करेंगे तो जल्द से जल्द सक्सेस होने का संभावना रहता है। क्या है कि आजकल के जो युवा छात्र छात्राएं हैं उनका कृषि के प्रति रुझान बहुत ही कम हो गया है। उनको ऐसा लगता है कि हम खेती का जो कार्य है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और खेती में हम लोग को मुनाफा नहीं मिलेगा। लेकिन आप सही ढंग से अगर खेती का काम करेंगे, सही तरीके से अगर आप खेती का काम करेंगे तो खेती से ज्यादा किसी भी चीज में पैसा नहीं है। तो आप खेती के नए नए तकनीकों को सीखिए, नए नए माध्यमों को सीखिए, कृषि शिक्षा को बढ़ावा दीजिए और खेती को सीख करके अपने दैनिक जीवन में अप्लाई करिए ताकि आपको किसी के सामने रोजगार मांगने की आवश्यकता न पड़े। तो इसी के साथ आप वीडियो को देखते रहिए, नए नए तरीकों को आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। इसी कड़ी में हम यहाँ के जो फार्म हाउस के जो ऑनर हैं श्री जगेश्वर यादव जी, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि वो खेती का ये जो प्रारूप है वो कैसे सीखे और क्या क्या चीज़ को अपने खेत में लगाते हैं। क्या क्या लगाते हैं जगेश्वर यादव? मैं जगेश्वर यादव ग्राम रामनगर का निवासी हूँ। यहाँ हम लोग खीरा, बैंगन, टमाटर और शिमला मिर्च का खेती करते हैं और यहाँ सभी व्यक्तियों को रोजगार देने का प्रयास करते हैं।